शिकायत मत करो, डोंट कंप्लेन। इसके बारे में आज बातचीत करते हैं। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर, मैं मनोविकार से एक्स रोग सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ हूँ। महाराष्ट्र में मुंबई पुणे अकोला यहाँ प्रैक्टिस करता हूँ। जब हम कंप्लेन करते हैं, शिकायत करते हैं, तो हम खुद इरिटेट हुए रहते हैं और लोगों के दिमाग में भी बहुत चिड़चिड़ापन उसमें आता है। जब आप कंप्लेन करते हो तो आप एक चाइल्डिश बिहेवियर लोगों के सामने लाते हो। चाइल्ड क्या करता है, बच्चा क्या करता है, बच्चा कंप्लेन करता है, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, ये अच्छा नहीं है, वो अच्छा नहीं है, ऐसा नहीं, वैसा नहीं, मतलब वो कंप्लेन 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 करता रहेगा। और बच्चा डिमांड करते रहता है और कंप्लेन करते रहता है। आप जब कंप्लेन करते हो कि ये अच्छा नहीं है, वो ठीक नहीं, ऐसा नहीं, वैसा नहीं, मेरे हिसाब से नहीं हो रहा है, जब आप कंप्लेन करते हो तो आप क्या बताते हो कि आप चाइल्डिश हो, आप हेल्पलेस हो, आपको कुछ समझता नहीं है और आप लोगों के ऊपर डिपेंड हो। लोगों ने ऐसा करना चाहिए, उन्होंने ये करना चाहिए, उन्होंने वो करना चाहिए, मैं तो कुछ नहीं हूँ, मैं छोटा हूँ। जब आप कंप्लेन करते हो तो आप जिम्मेवारी लेते नहीं हैं, जिम्मेवारी बिल्कुल ही रहती नहीं, वहाँ जिम्मेवारी अब्सेंट रहती है, टोटली अब्सेंट रहती जिम्मेवारी। आप जब कंप्लेन करते हो इसका मतलब क्या है कि मैं उसके लिए जिम्मेदार नहीं हूँ, और कोई जिम्मेदार है, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ और कोई कर सकता है, या मैंने नहीं करना चाहिए और किसी ने वो करना चाहिए। तो फिर होता क्या है कि वो लोगों के ऊपर दोष देते रहता है। लोग तो वैसे ही बर्ताव करेंगे, लोग बदलने वाले हैं नहीं, लोग जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, मगर आप कंप्लेन करते रहेंगे। और फिर आप जब कंप्लेन करते हो तो उस समय क्या होता है, उस समय आपका लोगों के साथ में प्यार खत्म हो जाता है, आपकी तबीयत ठीक रहती नहीं है, क्योंकि उसका असर दिमाग के ऊपर होता है, प्रोडक्टिविटी के ऊपर होता है, अपसेट रहते हो, अपना ताकत निकल जाती है ना, और अच्छा लगता नहीं है जब कंप्लेन करते हैं तो, क्योंकि वो मन जैसा नहीं होता तब अपन कंप्लेन करते हैं। हाँ, ये जरूर है कि आप कुछ तभी अलग चाहते हो कि आपको ये नहीं चाहिए, आपको वो चाहिए करके आप कंप्लेन करते हो, मगर ये नहीं चाहिए वो चाहिए जब आप कंप्लेन करते हो, मगर वो चाहिए उसके लिए कुछ आप करने को तैयार नहीं है। आपको तो वो किसी ने करना चाहिए ऐसा लगता है, आप नहीं करोगे तो आपकी उंगली लोगों की तरफ है, जिम्मेवारी नहीं लेने का अगर कंप्लेन करने का है। तो कंप्लेनर्स जो है वो कभी शांति से नींद लेते नहीं है, जो कंप्लेन करते हैं वो कभी शांति से रहेंगे नहीं, जो कंप्लेन नहीं करते, जो जिम्मेदारी लेते हैं, बोलते हैं ठीक है ये मेरा काम है, मैं करूँगा, जो भी हो रहा है उसके लिए मैं जिम्मेदार हूँ, मैं कारणीभूत हूँ और मैं इसकी जिम्मेवारी लेकर मैं पूरा करूँगा, वो लोग रात को अच्छे सोते हैं। क्यों? क्योंकि जब आप काम करते हो, एक्शन लेते हो, रिजल्ट प्रोड्यूस करते हो तो आपको बहुत अच्छा लगता है, डोपामिन सिक्रीशन होगा, सेरोटोनिन सिक्रीशन ब्रेन में होगा, जब भी आप काम करते हैं रिजल्ट मिलता है तो, क्योंकि आप कंप्लेन करते हैं तो ये सिक्रीशन कम हो जाते हैं, सिक्रीशन कम हो गए कि आपको निराशा है, एंगर है, इमोशंस अच्छे नहीं है। तो कभी भी कंप्लेन नहीं करना है, जिम्मेवारी लेना है। ये जो परिस्थिति है, जो परिस्थिति मेरे मन जैसी नहीं है, उसके लिए मेरी मनस्थिति मैं कैसे बदलूं ताकि जो परिस्थिति है उसको मैं एडजस्ट कर सकूं या वो परिस्थिति में बदलाव ला सकूं। तो परिस्थिति वैसी रहेंगी, मनस्थिति मुझे बदलने का है, और मनस्थिति बदलने का इसका मतलब ही वो है कि मैं जो भी हो रहा है उसकी जिम्मेवारी ले रहा हूं, मैं समझ रहा हूँ कि ये कारणीभूत है, उसके लिए मैं कुछ ना कुछ कृति करूँगा, कुछ ना कुछ एक्शन लूँगा, वहाँ रिजल्ट कॉज करूँगा, मुझे भी अच्छा लगेगा और वो जो है परिस्थिति वो ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। तो नेवर नेवर एवर कंप्लेन, कंप्लेन कभी भी करना नहीं है, जिम्मेवारी लेना है, और वो आप करेंगे तो आपका जो एंटरप्राइज है एक बहुत ही ऊँचे स्तर पर चले जाएगा। यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो जरूर सभी व्यापारियों को, एंटरप्रेन्योर को शेयर करो, बहुत काम में आएगा। थैंक यू वेरी मच।